नमस्कार दोस्तों, वर्धमान एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा यहाँ पर मई के महीने पर चल रही है। आज हम तुला लग्न पर बात करेंगे और जानेंगे कि इस महीने तुला लग्न के जातकों के ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम शनि की बात करेंगे। शनि का गोचर इस महीने आपके चतुर्थ भाव में होगा। गुरु भी इस महीने शनि के साथ युति में रहेंगे, इसलिए हमें कुछ मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। शनि इस भाव में स्वराशि के हैं और गुरु नीच के हैं, और शनि के यहाँ पर अपनी राशि मकर में होने के कारण गुरु का नीच भंग भी हो रहा है, तो स्थिति थोड़ी अजीब ही रहने वाली है। प्रॉपर्टी के मामले आपके इस समय मझधार में लटके हुए नज़र आएंगे, ना वो हाँ में होंगे और ना वो ना में होंगे। 30 जून के बाद जब गुरु शनि की युति छोड़कर वापस अपनी राशि में जाएंगे, तब इसका कोई सोल्यूशन आपको नज़र आ सकता है। यही पोजीशन बच्चों की शिक्षा की भी बन सकती है। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपकी भी सेम सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि स्वराशि के शनि के साथ गुरु की है युति बहुत ही सालों के बाद बनी है और इस युति में बहुत ही उलझी हुई स्थिति होती है। गुरु व शनि की सीधी दृष्टि 10वें भाव पर है, जिससे आपको व्यापार में भी थोड़ा स्लोपन देखने को मिल सकता है। वहाँ भी स्थिति आपकी थोड़ी सी उलझन भरी रह सकती है। गुरु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर होगी, जिससे विदेश संबंधी कार्यों में भी रुकावट आना संभव है। मंगल भी 4 मई तक मकर राशि में शनि व गुरु के साथ युति में उच्च के होकर रहेंगे। इन तीनों ग्रहों की युति बहुत ही अजीब स्थिति उत्पन्न करती है, जिसमें कि स्वराशि के शनि, नीच के गुरु व उच्च के मंगल शामिल होंगे। यह स्थिति लगभग चतुर्थ भाव से संबंधित सभी कार्यों में अवरोध पैदा कर सकती है। 4 मई को मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। यह आपकी शिक्षा, संतान व बुद्धि का भाव है। मंगल इस भाव में 18 जून तक रहेंगे। मंगल एक अग्निकारक ग्रह हैं और शनि के शत्रु भी हैं। धन भाव व जीवन साथी के भाव का स्वामित्व भी मंगल के पास ही है। वाणी में उग्रता, धन संचय में कमी देखने को मिल सकती है। जीवन साथी व बिजनेस पार्टनर से मन मुटाव भी संभव है। इस समय यदि आपकी संतान होने वाली है तो उसमें कुछ कष्ट हो सकता है, सावधानी अवश्य बरतें। आप यदि स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में आपको थोड़ी बहुत परेशानी देखने को भी मिल सकती है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य उच्च के होकर 14 मई तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये भाव आपके जीवन साथी का भाव है। आपके पति या पत्नी की ईगो में इस समय वृद्धि हो सकती है। सूर्य को हम विच्छेद का कारक भी मानते हैं। आप इस समय अपने जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति ना बनने दें, अन्यथा बेवजह का झगड़ा भी बढ़ सकता है। बिजनेस पार्टनर से भी अपने संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करते रहें। 14 मई को सूर्य मेष राशि से निकलकर वृष राशि में आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो कि आपके ससुराल पक्ष को भी दर्शाता है। आपका ससुराल पक्ष से भी कुछ मनमुटाव संभव है। इस समय ससुराल में आपकी कुछ अपमानजनक स्थिति बन सकती है, जहाँ तक हो सके कोई विवाद उत्पन्न ना होने दें। बुध 9 मई तक मेष राशि में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। 9 मई से 24 मई तक बुध वृष राशि में आपके अष्टम भाव में होंगे। इस समय में आप स्वयं को काफ़ी मानसिक दबाव की स्थिति महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कमी भी देखने को मिल सकती है। 24 मई से बुध 70 दिन के लिए अपनी स्वयं की राशि में आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। यह समय आपका बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। इस समय में आप किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करेंगे। भाग्य का व पिता का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शुक्र जो कि आपके लग्नेश हैं, 28 मार्च से अपनी स्वयं की राशि वृष में आपके अष्टम भाव में 127 दिन के लिए स्थित है। शुक्र इस राशि में अपने बहुत अच्छे फल देते हैं। आपको इस समय अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यह आपकी आयु का भाव भी है। स्वास्थ्य खराब होना या बीमारी को भी हम इसी भाव से देखते हैं। यह संतान का सुख भाव भी है। यह आपके जीवन साथी का धन भाव भी है, अर्थात इस समय आपके स्पाउस की धन की स्थिति अच्छी रहेगी तथा आपकी संतान भी सुखी रहेगी। राहु आपके भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि मिथुन में गोचर करेंगे। राहु का इस राशि में गोचर 23 सितंबर 2020 तक रहेगा। कोरोना जैसी बीमारी का कारण भी राहु मिथुन राशि में गोचर को ही माना जा रहा है, क्योंकि राहु का मिथुन राशि में गोचर 18 साल बाद होता है, और जब भी यह गोचर होता है तभी देश पर कोई ना कोई संकट अवश्य आता है। इस बार शनि की अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनका गोचर 30 साल के बाद होता है।
इसी कारण इस बीमारी से देश को पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए 23 सितंबर 2020 तक का वेट करना पड़ सकता है। चंद्रमा का गोचर 4, 5, 6 मई को आपके 12वें भाव में होगा। यह समय भी शुभ नहीं माना जाता है, ध्यान रखें। इसके अलावा 17, 18 व 19 मई को 6ठे भाव में और 22, 23 व 24 मई को 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। यह समय भी आपके लिए शुभ नहीं है, थोड़ा केयरफुल रहें। चंद्रमा का धन भाव में गोचर 8, 9 व 10 मई को होगा। इस समय में आपके पास कहीं से धन आने के योग बनेंगे। यह समय धन के लिए शुभ समय है। तो दोस्तों, ये था तुला लग्न वाले जातकों के लिए मई के महीने का हाल। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल वर्धमान एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।